हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे से एक नए वीडियो में। तो आज का प्लान कुछ अलग बना है घूमने का। तो पतरातु साइड है और एक दो और प्लेस में जाने का बना है हम लोग को प्लान। तो देखिए, अभी भाई गाड़ी लेके आएगा तो उसके बाद हम निकलेंगे। तो मेरा इस पतरातु का ब्लॉग में बने रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पतरातु में। ये जो आप बाज़ार देख रहे हैं, ये वासरी बाज़ार है और हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पे है वासरी बाज़ार। और यहाँ पे ऐसे ही छोटा मोटा एक दुकान सब है, ज़्यादा उतना खास दुकान नहीं है। पकड़ अगर बढ़िया दुकान के लिए आपको अगर अच्छा कुछ सामान वन वे लेना है तो आपको भुरकुंडा बाज़ार जाना होगा, जो कि अभी हम लोग भुरकुंडा बाज़ार के लिए निकले हैं और उसी रास्ते से पतरातु हम लोग को जाना है। तो लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है भुरकुंडा बाज़ार, जो कि हम लोग वही आधा या पौन घंटा में पहुँच जाते हैं हम लोग वहाँ। और आपको दिखाएंगे कि वीडियो में कि भुरकुंडा बाज़ार, देखिए आगे भी हम लोग पहुँच गए हैं भुरकुंडा बाज़ार। इस तरफ पूरा मार्केट है जो कि हम लोग घूम के ऐसे जाना पड़ता है। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम कि कैसे बाज़ार है यहाँ का। यहाँ पे स्टार्टिंग बाज़ार हो रहा है, पहले दाहिने साइड में है, पर टर्न हो के जाना पड़ता है हम लोगों। और ये देखिए स्टार्टिंग हो गया है अभी बाज़ार। और बाज़ार से पहले आपका ये JM कॉलेज आता है भुरकुंडा में, जो कि यहाँ पे बहुत ही फेमस है। और मेरा भाई लोग लगभग कुछ आदमी लोग ना वहाँ एडमिशन लिए हुआ। और यहाँ से भुरकुंडा बाज़ार स्टार्ट हो गया है। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए और मज़ा उठाते रहिए, इस वीडियो का भरपूर आनंद लीजिए। और क्या ही क्या, वीडियो को देखिए, मस्ती करिए। हाँ, यहाँ पे ये कपड़ा का मार्केट है और आगे में आपको राशन दुकान का मार्केट है, राशन वगैरह मिलता है। ये भी कपड़ा का मार्केट है। फिर आगे जैसे जैसे जाइएगा वैसे राशन वगैरह का मार्केट है। फिर आगे जाइएगा फिर सब्जी वगैरह का मार्केट, यहाँ पे देखिए पूरा राशन वगैरह है, पूरा बहुत बड़ा है ये, समझिए। तो कपड़ा, राशन, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब हम लोग के जो वहाँ पर वासरी मार्केट है वहाँ पर उतना कुछ है नहीं, बस सब्जी वगैरह ये सब डेली आइटम यूज़ वहाँ पे मिलता है। पर यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। बर्तन बासन जो भी है, शादी वगैरह का सामान कुछ भी लेना है, हार्डवेयर सामान। और ये देखिए आपको अंदर से गली में घुसा के निकालें, यहाँ पे पूरा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है भुरकुंडा का। मतलब समझिए एक छोटा मोटा मार्केट है। और ये टर्निंग है और यहाँ से अभी हम लोग निकल गए हैं पतरातु के लिए। पहले यहाँ पे हम लोग रुके, बाल उल वगैरह कटाए, वो आपको वीडियो में दिखा नहीं पाए हम, क्योंकि वीडियो हम शूट नहीं किया, इस वजह से हम आपको वीडियो में दिखा नहीं पाए। ये देखिए पतरातु डैम है, जो कि ये है सामने, आपको दिख रहा होगा। और आपको इस वीडियो में हमको दिखाएंगे, डैम में जाके भी दिखाएंगे कि पतरातु डैम कैसा है और कैसा दिख रहा है। फुल नज़ारा आपको दिखेगा, बस आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो का मज़ा लेते रहिए। बहुत दूर दूर से यहाँ पे ट्रैवलर लोग आए हुए हैं घूमने के लिए और बस से आए हुए हैं सब लोग, और यहाँ का डैम का व्यू लेने आए हुए हैं, नज़ारा लेने आए हुए हैं और मज़ा लेने आए हुए हैं। पूरा देखिए डैम है अपना, पतरातु डैम है, जो कि झारखंड का फेमस डैम के नाम से जाना जाता है। ये हम लोग का पतरातु में एंट्री हो गया है और यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो जाता है पतरातु का रास्ता। और ये पूरा टर्निंग वगैरह अब स्टार्ट हो जाता है, मतलब। और गाड़ी का तो हालत ख़राब होता ही है, वो तो बात है, चढ़ान पे हर गाड़ी का हालत ख़राब हो जाता है, चाहे वो 2 चक्का हो, 4 चक्का हो या 12 चक्का हो। और ये गाड़ी का तो बहुत हालत ख़राब, हम लोग वहाँ 1 घंटा बाद पहुँचता है, जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसके 1 घंटा बाद यहाँ जाके गाड़ी पहुँचता है। लगभग पतरातु का जो ये है वैली है, जो उसका 405 मीटर औसत ऊँचाई है और 1328 मीटर फीट है, मीटर नहीं फीट में है,
इसको नापा गया था, तो लगभग ऊंचाई इसका नापी गया 1328 फीट ऊंचा है पुतरातु। पूरा पहाड़ पे ये पूरा रोड जो बना हुआ है, आपको पूरा पहाड़ पे रोड बना हुआ है। और इसके बारे में क्या ही बताएं, यहाँ पे लोग हैं ना मतलब एक सुकून के लिए आते हैं, मतलब उतना कुछ खास आपको लग नहीं रहा होगा, रोड है वगैरह बस, लेकिन बस सुकून एक फोटोग्राफ और मतलब खूबसूरती के लिए आते हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं झारखंड में खूबसूरती के अलावा। पहाड़ है बस, यही खूबसूरती है झारखंड। झारखंड का खूबसूरती प्यार है और पहाड़ है और क्या बोले, यहाँ का आदमी का बातचीत है, मतलब बहुत अच्छा स्वभाव है। हम यहाँ घूमे, बहुत अच्छा स्वभाव था सबका। और ये हम लोग मेन पॉइंट पे पहुँच गए हैं जहाँ से अच्छा थोड़ा नज़ारा दिखता है, और उससे आगे चले गए, लेकिन हम लोग फिर रिटर्न आए घूम के। और रिटर्न आने के बाद हम लोग का गाड़ी रुकेगा सामने में, और वहाँ से पूरा अच्छा व्यू आता है, मतलब ये हाईएस्ट ऊंचाई कहिए यहाँ पे, मतलब पतातु का जो मेन पॉइंट होता है जहाँ से लोग फोटोग्राफ करवाते हैं, ये रहा, यहीं पे आपको ज़्यादा भीड़ दिखेगा। और ये कुछ घोड़ा घोड़ी लकड़ी का बनाया हुआ, ये देखिए नज़ारा। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए बस, ये सब नज़ारा आपको कहीं मिलेगा तो बताइएगा, आप हमको कमेंट करिएगा कि ये नज़ारा हमने देखा है कभी पहले, सिर्फ पतरातु को छोड़ के आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा नज़ारा, दुनिया के किसी भी कोने में आपको ऐसा नज़ारा तो नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है पहले पूछो। सर जा रहे हैं और कहीं जाना? अरे सरप्राइज है, ये देखिए, देखिए ये है पतरातु अपना झारखंड। इतना गेट अच्छा से खोलिए, गाँव का जाएंगे हम। काम करवाते रहता है, ज्यादा नहीं, हम तो सोच रहे तुम बोलता कैसे, 1 लाख कमाएगा 99,000 का काम करवा देता है। तीखा मोड़ लिखा, चलो चेक के देख लेते भाई। तो दोस्तों अभी हम लोग दूसरे स्पॉट पर पहुंच गए हैं, दूसरे स्पॉट का नाम है पलानी वाटरफॉल। तो गाड़ी उड़ी लगा के उसके बाद अभी हम लोग अंदर एंट्री कर गए हैं। अंदर का कुछ इस तरह का नज़ारा है, बहुत अच्छा नज़ारा हमको लगा, और साफ़ सुथरा भी था पूरा, बहुत खूबसूरत था, घास वगैरह ऐसा लगा हुआ था कि मन कर रहा मतलब वहीं घर बसा ले अपना हम। ये है अपना वाटरफॉल।
हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं एक तीसरे लोकेशन पे जो कि पतरातू डैम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बोट वगैरह लगा हुआ है, अगर बोट वगैरह करना होगा तो हम जाएंगे और देखते हैं कितना पैसा वगैरह लेता है और पूरा आपको इस डैम का नज़ारा आपको दिखाएंगे हम इस वीडियो में। ये नीचे आ गए हैं, चलिए पूछते हैं जाके नाव वाला से कि कितना में बोटिंग वगैरह है। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, नाव का सैर कराएंगे आपको अगर हमारे औकात में होगा तो, औकात से बाहर होगा तो नहीं कराएंगे। अभी चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ इसलिए गरीब ही हालत है, कमी फिर हम लोग फिर भी घूमने आ जाते हैं आप लोग के लिए, आप लोगों के लिए हम घूमने आते हैं सिर्फ। पूछता भैया बोटिंग कौन सा बोट मोटर बोला है? 750 एक आदमी का, एक बोट का लगेगा दोस्तों। अभी हम लोग मोटर वाला बोट खरीदे हैं भाड़ा पे और चलिए आपको सैर कराते हैं इसका। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चल ले करने पे हम बे, जल्दी आवे। अच्छे कुमार पूछिए पहुंच गया हम लोग का सफर खत्म। हुआ खत्म, अब चलते हैं। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग फन मूड अपना खत्म कर लिया और अभी जा रहे घर
अगर रास्ते में कुछ खाने के लिए मिलेगा तो खाएंगे हम लोग, आज घर जाएंगे। तो अगर आगे हमको कुछ दिखाने के लिए मिला तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो अभी यहीं पे ब्लॉग मेरा समाप्त हो रहा। ये हम लोग का चाट तैयार हो रहा है ना, उधर उधर चाट तैयार यहाँ पे आलू चपने सिंगाड़ा है, तैयार हो गया चाट तेरा। मीठा डाले अभी आप काली चाटे लावे राजा। ना हमने लेंगे गुरकुंडा बाजार है, यहाँ पे हर चीज़ आपको सस्ता मिलेगा। इधर ही से घुस आएगा गुंडा बाजार। मंडी है ना पूरा, तो बाय बाय दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।